नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का YFM सिक्योरिटी में। दोस्तों 2021 में अपने घर के लिए कौन सा सिक्योरिटी कैमरा आप लगाएं, ये मैं आपको आज बताने वाला हूं। खासकर मैं आज एनालॉग HD कैमरे के बारे में बता रहा हूं, जो कि सब लोग जानते हैं और काफ़ी समय से चलते आ रहा। IP कैमरे के बारे में नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा, आज मैं एनालॉग HD के बारे में बता रहा हूं। कुछ कैमरे जो मैंने पिक किए हैं, कुछ DVR जो मैंने चूज़ किए हैं, वह आपके लिए बेहतर है और सबसे अच्छा है फिलहाल अभी के ऑप्शन में। चलिए इक्विजन के बारे में बताने वाला हूँ आपको। इक्विजन के कैमरे के मॉडल नंबर मैं आपको बताऊंगा, DVR के बारे में आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगा। सबसे पहली बात है कि चैनल को सब्सक्राइब अगर आपने नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। DVR के बारे में बात करते हैं। आपको पता है कि 18, 19 और 20 में जो कहानी थी बिल्कुल अलग थी, और 2020 में आपको पता है कि स्मार्ट DVR लॉन्च हुए थे। स्मार्ट DVR जिसमें कि फेस डिटेक्शन एक्यूसेंस सिस्टम था, और इसके साथ साथ आप उसमें ऑडियो इनबिल्ट वाले कैमरे भी यूज़ कर सकते थे। तो आज मैं आपको उसी DVR के बारे में बता रहा हूँ। 2MP और 5MP ये दो ऑप्शन है आपका, आप दोनों में से जहाँ भी जाना चाहें जा सकते हैं। DVR अगर आप 2MP में ले रहे हैं तो IDS सीरीज है, IDS 7204, 4 चैनल 08 8 चैनल 16 चैनल, HQHI M1 या M2, 1 है तो आपका एक हार्ड डिस्क सपोर्ट करेगा, 2 है तो 2 हार्ड डिस्क सपोर्ट करेगा, /S या FA, ये आपका हो गया 2MP में। इसके बाद IDS सीरीज में ही आपका 5MP में IDS-7204-0816 HUHI M1 या M2S या /FA, ये आपका मॉडल नंबर है 5MP में। तो आपका 2MP और 5MP में ये दो DVR जो हैं बेस्ट है, और इस दोनों DVR में से आपको जो चूज़ करना है आप कर सकते हैं। मेरे हिसाब से 5MP में आप जाएँ, चाहे कैमरा 2MP का लगाएं, बट आप 5MP के DVR में जाएँ। चलिए अब बात करते हैं कि कैमरा कौन सा है। नॉमिनल जो एनालॉग कैमरे हैं, आप जो IR LED वाले कैमरे हैं, चाहे आप इको कैमरा ले लीजिए, IR PF वाले कैमरे ले लीजिए, मैं कहीं पर भी आपको IR LED वाले कैमरा रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि उसमें स्पाइडर वेब के इश्यूज आते हैं, नाइट विजन में कई तरह के इश्यूज आ जाते हैं जो कि आपको सही क्लियरिटी नहीं देती। मैं आपको जो मॉडल नंबर बता रहा हूँ ध्यान से सुनिएगा, 2MP में DS2CE1616D3T-ITPF। अगर आपको प्लास्टिक बॉडी तो ITPF, मेटल बॉडी ITF होगा या ITMF होगा, ठीक है। इसमें WDR है, HLC है, 3D DNR है, BLC है, जो कि आपके कैमरे की नाइट विजन को बेहतरीन बनाते हैं। इसके साथ साथ जो पिक्चर क्वालिटी है वो आपको सही आते, सिर्फ मेगापिक्सल सब कुछ नहीं होता। इसी में अगर आपको डोम में जाना है तो DS2CE76D3T-ITPF। अब यहां पर इस दोनों मॉडल नंबर के लास्ट में अगर S हो तो आप समझ लीजिए PFS हो, तो ऑडियो इनबिल्ट वाला कैमरा, अगर ऐसा नहीं हो तो ऑडियो इनबिल्ट वाला कैमरा नहीं है। तो अगर ऑडियो इनबिल्ट वाले कैमरा अगर आपको चाहिए तो S होना चाहिए मॉडल नंबर के लास्ट में। लेकिन 5MP में अगर हम आते हैं, DS2CE16H0T-HOT आप कह लीजिए -ITPF, और आपका डोम में DS2CE76HOT-ITPF, अगर आपका लास्ट में S है तो ऑडियो इनबिल्ट वाला कैमरा। ये दोनों कैमरे आप लगा सकते हैं इंडोर और आउटडोर में, ये 20 मीटर्स के आसपास के डिस्टेंस का। अगर आपको 40 मीटर्स में चाहिए तो यहीं पर IT3 हो जाता है, अगर आपको 80 मीटर चाहिए तो IT5 हो जाता है। लेकिन ये कैमरा सही है नाइट विजन के लिए भी, और ये आपका XIR स्मार्ट IR है तो आपके लिए काफ़ी बेहतरीन रहेगा। चलिए अब बात करते हैं दूसरा ऑप्शन। आपको पता है कि घर के बाहर जब आप कैमरे लगाते हैं तो और भी स्मार्ट फंक्शन की ज़रूरत है, जैसे अलार्म या फिर सायरन वाले कैमरे। तो अलार्म वाले कैमरे में आपको बता रहा हूँ DS2CE11, ये 2MP में D8T-PIRLO, ये WDR कैमरा है। इसी में अगर आपको WDR नहीं चाहिए तो D8T की जगह D0T हो जाता है, और -PIRLO विदाउट WDR। अगर आप ये 5MP में लेते हैं, याद रखिएगा अगर आप ये 5MP में लेते हैं तो H0T हो जाता है, DS2CE11H0T-PIRLO, जिसमें कि WDR भी है। तो बेहतर है कि आप 5MP के साथ जाएं, जो कि आपको अलार्म आउटपुट की सुविधा भी देती है। अलार्म के लिए अलग से आपको स्पीकर वगैरह जो है वो लगाने होंगे, जिसमें कि अलार्म आपको सुनाई दे। बट ये कैमरा बाहर में अगर कुछ हरकत होती है, चूँकि पैसिव इंफ्रारेड रीडर है इसमें, अब PIR कैमरा है, तो ये आपका ब्लड हीट के हिसाब से ये काउंट कर पाता है कि कोई जो है सामने से आया गया, तो वो आपको
वहाँ पर लाइट भी फ्लैश करेगा, साथ ही अलार्म भी बजेगा। तो ये आपके आउटडोर कैमरे की सुरक्षा के लिए बेहतरीन है। इसे आप पार्किंग वाले एरिया में भी लगा सकते हैं, गैरेज में भी लगा सकते हैं, सही है। अब बात आती है इसी में थोड़ा सा अपग्रेड, सायरन वाले कैमरे, जो कैमरे में ही सारे स्पीकर वगैरह सब कुछ इनबिल्ट होता है, कैमरा खुद साउंड करता है। अलार्म वाले में था कि अलार्म आउट का ऑप्शन था, लेकिन यहाँ पर क्या है कि कैमरे में सायरन है। ये मॉडल नंबर आप देख लीजिए, DS2CE72 डोम आपका DFT-PIR-XOF XOF यानी X0F समझ लीजिए अगर है तो, ये कलर व्यू आपका सायरन इनबिल्ट कैमरा है। यही अगर मॉडल नंबर DS2CE12DFT हो और PIR-XOF हो तो ये आपके बुलेट में आता है। ये दोनों कैमरे कलर व्यू भी हैं प्लस सायरन इनबिल्ट भी है, सायरन भी है और स्टेज स्टॉप लाइट भी यहाँ पर जलेगी। तो इससे क्या होगा कि वो सामने वाले 10-15 लोगों को उठाने की कैपेसिटी रखता है, अगल बगल अगर कोई घर है, अगर कोई हरकत होती है तो वो सायरन कैमरा बजाएगा, तो सायरन से आपको समझ में आ जाएगा कि वहां पर कुछ मिस हैपनिंग हुई है या नहीं हुई है, या कोई दीवार को फांद कर घर के आने की कोशिश कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो ये बहुत जरूरी है आपके लिए। ये रात में आप सेटिंग कर सकते हैं, रात 10 बजे से सुबह आप 6 बजे तक 5 बजे तक जो भी सेटिंग करना चाहें आप कर सकते हैं, ये उस मोशन के हिसाब से समय के हिसाब से ऑन हो जाएगा। इसी में आप कलर व्यू नहीं चाहते, कलर नाइट विजन आप नहीं चाह रहे, नॉमिनल चाह रहे, बट आपको सायरन चाहिए, स्टॉप लाइट चाहिए, फ्लैश लाइट जो कि सामने पड़े जिससे कि पता चले कि वो कौन है, क्या है और कौन कुछ गलत करने की कोशिश कर रहा है। तो DS2CE72DFT-PIR-XF यहाँ पे जीरो नहीं है, ये आपका सायरन इनबिल्ट कैमरा बट कलर व्यू नहीं। इसी में आपका DS2CE12 12 DFT-PIR-XF। तो ये जो कैमरे हैं जो मैंने बताया, ये आपको अगर आउटडोर में लगाना है तो सायरन इनबिल्ट वाला कैमरा बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, उसे आप यूज़ कीजिए। अगर आपको आउटडोर में लगाना है बट थोड़ा इंडोर से टच में हो, वॉल वगैरह के टच में हो, तो वहाँ पर आप इसे लगा सकते हैं। थोड़ा अंदर अगर गैलरी वगैरह में लगानी हो तो मैंने आपको बताया कि आप चाहें तो आप जो नॉमिनल HOT वाले सीरीज में जो ITPF वाला जो कैमरा मैंने बताया 5MP का, वो आप लगा सकते हैं, या फिर आप 2MP में भी जा सकते हैं, D3T वाले जो मैंने बताया, जो कि WDR-BLC-HLC-3D-DNR वगैरह सारी चीजें इनबिल्ट है। तो ये कुछ कैमरे हैं जो कि आपके घर की सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी है। हालांकि कई DVR है, कई आपके और भी इसमें प्लास्टिक बॉडी के DVR है, मैंने उसे नहीं चूज किया क्योंकि ये स्मार्ट DVR है, ये आने वाले फ्यूचर में भी जो कैमरे लॉन्च होंगे वो इसमें सपोर्ट करेंगे, इसलिए इस DVR को आप लीजिए, यहां पर आपके लिए बेहतरीन सॉल्यूशन मिल जाएगा। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको कुछ भी प्रोडक्ट परचेस करने तो डिस्क्रिप्शन में कुछ लिंक मैं देता हूं हर एक वीडियो में, वहां से आप उस प्रोडक्ट को परचेस कर सकते हैं। उम्मीद करता है वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों धन्यवाद।